जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। की हम जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपके दुआओं से बेशक उस पाक जात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह का। नजर आ रहे निशान आपको? हाँ हाँ, फिंगरप्रिंट निशान है। फिंगरप्रिंट है ना पूरी? हाँ हाँ, ये देखें, ये देखें, ये आपने देखा राइट? हाँ, ये देखें लेफ्ट। देखिए कैसे इतने लंबे लंबे यार, पूरा फेस पे भरे पड़े हुए। जी सर, ये देखें माथे पे। ये किसी ने इनको मारा नहीं है। ये कराची में जी इनके पेरेंट्स ने भेजा, वो वाले साहब है या वालदा है पता नहीं, मुझे बता रही है भाई ये वाकयात शुरू हुए पिछले 5 महीने से। मैं कुछ क्या बताऊँ आपको, पहले चलो वीडियो देख लेते हैं, फिर जरा सही से जो है ना आप लोग भी समझ जाएंगे मसला है क्या। कौन है? हाँ, कौन है? मरियम है? हैं, मरियम है? नहीं, कौन है तू? हैं, कौन है? मरियम है? कौन है तू? क्यों बच्ची ने तंग की तो है? हैं, बच्चों की हाथ की फिंगर वगैरह भी नोट कर रहा हूँ, एग्रेशन में है। कौन है तू? कौन है? नाम क्या तेरा? नाम बता। क्यों तंग कर रहे हो उसको? कोई वजह है? स्कूल। क्यों तंग कर रहे हो? क्या किया स्कूल में? स्कूल में क्या किया? स्कूल में क्या किया? वॉशरूम गए थे। क्या किया स्कूल में? बता रही थी बीच में किसी बच्ची को कुछ हो गया कुछ था। हाँ, ये तो उसी दिन किसी और का, मुझे आके बताया क्या हुआ था, क्या हुआ? कुछ दिनों पहले इन्होंने कुछ वाक्या बताया अपने स्कूल से, अपने घर वालों को, कि स्कूल से किसी और बच्ची को कुछ हो गया था वॉशरूम से, इन्होंने आके बताया था इस बच्ची ने घर आके कुछ दिनों पहले, जब तक ये ठीक थी। जी आगे लोग कीजिए। हाँ, ये दूसरी दिन किसी और का, मुझे आके बताया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? स्कूल में तुम चले जाओ अपने स्कूल, वो कहीं नहीं जाएगी अब। इसकी ऑडियो आउट है, जरा सिंक आउट है इसकी ऑडियो में, शायद मोबाइल जैसे आप बता रहे थे मोबाइल पे सिंक कर दूंगा इसको। नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, आप नहीं भेजेंगे इसको, हम इसको नहीं भेजेंगे, बस हमने भेजा है ना वहां पे, वो कहीं नहीं जाएगी अब। इसको मत भेजो, नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, आप छोड़ दो, नहीं भेजेंगे स्कूल, हम इसको नहीं भेजेंगे, बस हमने भेजा है ना वहां पे, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, चलो जाऊंगा। हाय हाय, अल्लाह हु ले मरियम पानी पी ले, बच्चे कुछ नहीं होता, बस दर्द दर्द दोवें ही हो गई हूँ, बस ओ गए, चलो है पकड़े ना एक मिनट, चल बिस्मिल्लाह। अब जी जो इन्होंने हमें बताया है वो ये कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये बच्ची गई है अब नीचे अपने जिन्होंने हमें भेजा है उनके भाई के घर पे। अब इनके या तो वो मामू हुए या चाचा ताया हुए, अब ये गई हैं तो ये डर के ऊपर आ गई। इन्होंने देखा है 7-8 फुट की एक औरत को, 7-8 फुट, जी 7-8 फुट की औरत को देखा है, ऊपर आई है, घर वालों को बताया, ये पहली बार जो हुआ था कि जी मुझे वहां पे ना औरत मिल गई, तो इन्होंने कहा तुम मत जाना दोबारा, बच्चों को जैसे कह देते हैं। लेकिन ये फिर गई, ये फिर गई, इन्होंने फिर 7-8 फुट की औरत को देखा और बेहोश हो गए इसी बच्चे। घर वाले गए, मिले
पानी वगैरह भाई को फोन किया, उसको फोन किया, वो आए जो आए थे वगैरह उनको आती थी, उन्होंने पढ़ा बच्ची बेहतर हो। फिर बता रही हूँ ऊपर भाई का घर है, या बता रहे हैं ऊपर भाई का घर, तो कह रही है 12 दिन बाद ये गई ऊपर छत की तरफ ना, पेंट हाउस होगा, वहां इन्होंने एक लंबे आदमी को देखा, लंबे आदमी को देखा, चीख वीख मारी, डर गई, बेहोश हो गई। इन्होंने रब्ता किया मौलवी साहिबान से, आमिर साहिबान से, वो आए, उन्होंने दम वगैरह तावीज की, बातचीत की। तो बता रही है कि इन्होंने स्कूल में अपने, एक तो उस बच्ची के साथ वाकया हुआ जो उन्होंने घर बताया, फिर बताया कि मैंने देखा स्कूल में 7-8 फुट की एक औरत है और एक मर्द है, उनके हाथ में 2 डब्बे हैं और उन डब्बों में छुरियां हैं, और वो क्या कर रही है, वो औरत जो है उस मर्द के मुंह पे छुरियों से निशान लगा रही, काट रही है, और वो मर्द उस औरत के मुंह पर छुरियों से काट रहा है, जो इन्होंने देखा। बड़ा भयानक सीन है यार, कि वो दूसरे को ना ऐसे काट रहा है, और इसको वो बुला रही है बच्ची को, ये आ नहीं रही। अब क्या होता है कि कहती है भाई जब ये चीजें सामने आई ना, और हम देख रहे थे इसको, कि हम जब आयत लगाते हैं तो ये कहती बंद कर दो, मौलवी साहब जब तावीज देने गए, दिया इसको तो इसने पहना नहीं, छोटी बच्ची है यार, तो बड़ी मुश्किल से ना इसको पहनाया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही। अब ये अजीब अजीब बातें, चीखना, अजीब हरकत करना, और अभी बता रही है 3 दिन पहले क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि वो औरत इनका गला दबा रही है, इस बच्ची का, वही छुरी वाली औरत जो है, बच्ची ने खुद देखा, बच्ची ने खुद देखा गला दबा रही है, और उसी वक्त इसके ये पूरे चेहरे पे जो निशानात आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त ये, मतलब हम इसको ठीक कर रहे थे और ये सबके सामने जो है ना इसके मुंह पर ये निशान, ये सीधा गाल है, ये उल्टा गाल आ गया जी, ठीक है, ये माथा आ गया, ये देख रहे हैं प्रेशर के निशान है, आप बता रहे हैं लंबी उंगलियां, जब यहां से शुरू हो रही है यहां तक जा रही है, बॉडी लंबी और बारीक है, बारीक है, बारीक है, बारीक लंबी, और ये मकसद इंसानी फी इंसानी नहीं होती हमारी जी लंबी, और बारीक है, बहुत लंबी। और पता क्या हुआ है, अब इन्होंने क्या किया है कि इनके घर में ड्रेसिंग है शीशा, उस पर अखबारें लगा दी है, क्यों, हाँ क्यों, अब बता रही है कि वो बच्ची लेटी हुई थी, वो एकदम चीखी है शायद, कि उसको ना इस शीशे में वो नजर आई है औरत। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, बेचारों ने शीशे पे अखबार लगा दिया कि किसी तरह ये बच्ची का मसला हल हो। मैं आपको जो ऑडियो सुनाता हूँ जिन्होंने भेजी है, ये चेक कीजिएगा भाई है। अपना इलाज तो जी ये करा रहे हैं, करवाया भी है। मैंने इनसे पूछा कि किसी और को नजर आया, जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ इनको ही नजर आया, तो बता रहे हैं भाई इसके बड़े बेटे का 16 साल का, सजाद भाई, इस बड़े बेटे का 16 साल का बड़े से छोटा इसको नजर आया था, मतलब कोई बच्चा है 16 साल का घर में, कोई बड़ा बेटा है किसी का, उसको भी नजर आया था। अब ये खुद से निशान बन जाते थे और उन पर पढ़ते थे तो फिर ये खत्म हो जाते थे, ये खुद ही निशान बनते हैं, और जब पढ़ाई करते हैं सूरत वगैरह पढ़ते खुद ही खत्म, उठी सट जाती है ना जी, नेगेटिव गंदी चीज है। हमने ये शीशा ड्रेसिंग का इस पे भी अखबार लगाई हुई है, शीशे में से इस औरत ने अपना मुंह निकाला जिसे देखकर बच्ची की तबीयत खराब हो गई, उस वक्त उसके चेहरे पर निशान बन गए जो आपको पहले तस्वीरें भेजी हैं। अब जी ये मामलात हैं कि बाकायदा साहिब लोग आए हैं, कुछ ने तावीज भी दिए हैं, कुछ ने पानी भी दिया है दम करके, पिला भी रहे हैं, अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जैसे भाई ने कहा कि हम वो सब कोशिशें कर रहे हैं, आपसे दुआओं की अपील है। सही, हालात आपके सामने हैं, तस्वीरें नहीं, वीडियो आपके सामने है, अल्लाह बचाए। स्कूल में ऐसा क्या सजाद, यस यस, बच्चों को ऐसी चीजें हावी हैं क्या, स्कूल हॉन्टेड है, स्कूल में दरख्त हैं, जो जो अलामतें उन्होंने बताई हैं वो तो इंतहाई शैतानी ताकत है,
और वो जो वसत अपने ही चेहरे पे जख्म लगा रहे हैं तो बहुत ही वसत नेगेटिव फैल रहा होगा। आप तस्वीर करके देख सकते हैं, बच्ची देख कैसे सकती है ये, तो हिम्मत है जी। अच्छा, जो वीडियो में मेरे सामने बात आई ना, जब सब ने कहा ना कि इसने हमें बताया था स्कूल में कोई वाकया हुआ कि वहाँ कोई वॉशरूम है, उस वॉशरूम में किसी और बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो मुझे जी मैं किताबी बात क्या करूं, मेरा जाना हुआ था गोड की डहर की कॉलेज में स्कूल में, बच्चियों का ही था वो, तो वो क्या था पुराने स्कूलों में ना क्लासेस से हट के वॉशरूम बनाने में, और उन्होंने क्या किया था दरख्त के नीचे बिल्कुल वॉशरूम चला दिया, उसकी छत भी आधी नहीं थी जहाँ बच्चियां जाती थी, आधी छत दरख्त है, ऊपर रोशनी है आसपास, पास में घर है, आजकल ड्रोन कैमरे है यार, किसके किसके पास नहीं है। सही सही। तो बात यह है ऐसी जगहों पर ना मैंने खुद देखा है, मैं गया हूँ वहां पर, तो वहां भी बच्चियों के साथ ऐसे ही मामला थे, वो अपने वालदैन को नहीं पहचान रही थी, उनकी गर्दन 360 घूम रही थी पूरी, ये चौकीदारों टीचर्स और उनके साथ स्टूडेंट्स के, तो जितनी क्लास फेलोज थे सब ने देखा था ये, जिस पर हम हैरान थे कि यार जिंदा कैसे है ना 360 गर्दन, उनका भी इलाज हुआ था। अब कुछ मिलते जुलते मामलात हैं स्कूल से, लेकिन वहाँ हमारे पास कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जिस पर ये निशानात हो, हमारे पास उस बच्ची की ऐसी वीडियो नहीं थी, इलाज की भी और दौरान इलाज भी और इलाज से पहले भी ना। अब इसमें दोनों चीजें हैं, वो कहती है नहीं जाऊंगा, फिर वो कहती है जाऊंगी, और जो ये देख रही है वो औरत भी है और मर्द भी है। वीडियोज आपके सामने है, जो बताया इन्फॉर्मेशन सारी वो हमने आपसे शेयर कर दी है। बात यह है लोगों की मोहब्बत है, उनका एतमाद है कि दुनिया से वो कुछ समझ के आप तक भी बात पहुंचाते हैं। रही बात हमारी, तो हम तो अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करें, लेकिन इन्हें जो यकीन है ना वो है हमारे देखने वालों को, जिन्हें हम मेहरबान का नाम देते हैं, इनमें बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं दुनिया में यार, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ मुसलमान तबका, तमाम दुनिया के मजाहिब, तमाम दूसरे मुल्कों से लोग दर्द महसूस करके ना जो खुलूस से दुआ करते हैं ना, मुझे तो ये लगता है अल्लाह पाक करम फरमा दे। बेशक बेशक। फिर जी मेहरबानी हमारे मेहरबान की, जिन्होंने हमें गवारा फरमाया अपने पास, और जो हमने देखा अपनी आंखों से, जो सुना अपने कानों से आपको फरमाते हुए, वो हम बता देते हैं। सही। और जो उसका रिजल्ट आ रहा है उस पर हम खुद हैरान हैं। बेशक। अभी लास्ट वीडियो शायद हमने पता नहीं 34वां 35वां केस था कराची वाला, और जो जो लास्ट वाला जो उसको तो हम बस हम तस्वीर नहीं कर सकते यार, वो तो कैंसर पेशेंट आप मिल के आए, वो एक तो वो जिस्मानी बीमारी से जा, और फिर जो मामला तो उनके चल रहे थे अनोखे थे, मैं तो हैरान रह गया था। तो करते अल्लाह पाक ही है, बस उनकी मेहरबानी है, वो जरिया जिसको चाहे बना, रब की शान है कि करने के बाद भी ना वो किसी और को जरिया बना देते हैं, रब ही कर सकते हैं ऐसा, तो उनकी मेहरबानी है। अब इसी यकीन गुमान के साथ ना इन्होंने हमसे दुआओं का कहा है, अर्ज ये यार हर घर में बच्चे हैं शायद, और बच्चों में जान होती है सबकी यार, और ऐसी तकलीफ जिसका आपके पास हल भी ना हो, मतलब एक बात है शायद डॉक्टर है, ट्रीटमेंट है, चलो इमरजेंसी में आप ड्रिप लगवा देते हो, कोर्स करवा देते हो, टेस्ट करवा देते हो, यार ये उन चीजों से मुबर्र है सब, हर कितनी फैमिली मेंबर्स थे वीडियो में, बेचारे पूरी फैमिली मेंबर्स ही थे, कौन कौन क्या क्या नहीं कर रहा होगा, और ये तमाम करने के बाद पहुंचे हैं जी आप तक। सही। अब ही आए हैं इधर के भाई दुआओं की दरख्वास्त, मसला बच्ची का है, और अब इस बच्ची से क्या गिला करना कि इसने क्या गलती की होगी, मासूम है उसकी उम्र इतनी कम, अंडर 10 लग रही है मुझे, मुझे तो 7-8 साल की बच्ची लग रही है, 10 साल से कम उम्र बच्ची, मैं फिंगर्स वगैरह घूमते हुए देख रहा था ना जी, वो तैश में ना, मतलब 10 साल से छोटी बच्ची लग रही है शराब में, इससे क्या गिला शिकवा करेंगे, तुमने एहतियात नहीं की, तुमने नापाकी की, तुमने ये नहीं, तो किसी और का, मुझे लगता है कुछ और मामला है वहाँ पे स्कूल में ना, मतलब कुछ है मामला स्कूल पे, कुछ करवाया गया है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम कहाँ होते हैं सर, बच्चों के सामने नहीं जाहिर होती चीज़ें, कुछ कुछ वसत है, कुछ मामला जो बच्ची से चिपट गए। बहरहाल जी जिन्होंने हमें वीडियो भेजे ना, तो सबसे पहले तो हमने मेहरबान को अपने ही फरमाते हुए सुना देखा कि पहले अपने अंदर झांकें, कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं हमारे बड़ों से कोई गलती नहीं हुई, कि हमारे आस पास से कोई गलती नहीं हुई, पहले अपने अंदर देखना है, बाद में कहीं और देखना है, तो सबसे पहले तो जी आप अपने अंदर झांकें, अपने अतराफ में झांकें, बच्चियों को अजियत पहुंचना मतलब वालदैन को अजियत पहुंचना, ठीक, और अगर तो खुदा ना खास्ता किसी ने कुछ किया है ये कसदन, तो जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है, ये मैं अपनी आंखों से देखा है मैंने यहीं पर,
वाकियतन अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना, धोखा कभी जाया नहीं होता, वो पलट कर आता जरूर है जी। तो यहाँ तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बाकी अगर ये कोई हवाई मामला है, खुद ब खुद ही कोई नजर कह रहे स्कूल के जरिए किसी और के जरिए, तो जी बात पहुंच गई है जिन तक आपने पहुंचानी थी, जिनकी दुआओं की आप तलबगार हैं, जो अर्ज है हमने जी अमानतन जैसा हमारे पास वाक्य आया जितना आया आप तक पहुंचा दिया, ना कम ना ज्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मुलाकात तो दूर, कुछ घर हम गए हैं जो आपके सामने, बाकी जितने केसेस हैं उनसे मुलाकात तो दूर, फोन पे भी बात नहीं होती। और अल्लाह पाक दिखा रहे हैं करम ही करम, हैरान हम खुद हैरान है कि यार कैसे ठीक हो रहे हैं लोग। पहले भेजते हैं परेशानियों की वीडियोस, हम हैरान हो जाते हैं उनको देखकर, यार ऐसा कैसे हो सकता है, अब क्या होगा। और हम जब उनको शेयर कर देते हैं फिर हम हैरान होते हैं कि यार ये ठीक कैसे होगा, ठीक कैसे होगा। तब कैंसर पेशेंट्स यार राज भाई, वो 30 साल से इलाज कर रहे थे, 10 साल से इलाज कर रहे थे, लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। यार अभी ऑफिस में जी मुझे लाइव बुलाया था तो मैंने वो वीडियो, किसी ने पूछा कि यार वो जो खातून कोयले खाती थी 10-10 किलो एक दिन में, जो रोटी नहीं चबा सकती थी वो ठीक हो गई यार। जिनके ऊपर जिन आता था अना अबू कील, अबू अना कील नाम का जिन था उनके साथ, चॉकलेट की तरह खा रही थी भाई। तो वीडियो है यार, मतलब हम तो आपको दिखा रहे हैं। और ये एतमाद भरोसा जी रब ही डालते हैं दिलों में। अब जी हर घर में जैसे बच्चे हैं, तकलीफ हुई महसूस हुआ हमें, वो जो ये वालदा शायद बेचारी, मतलब झूठी बच्ची अगर आप दिल पकड़ के अपना आप ही गोद में राज्य और आप बेबस हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, सोचे क्या गुजरेगी यार, बहुत तकलीफ है। अब सोचे मत बच्चों को हल्का सा कुछ हो जाए क्या गुजरती है, और वो बेचारी दिल पकड़ के अपना पसलियां पकड़ के रो रही है, और माँ बेचारी गोद में लेके बैठी हुई है, उसको कहती स्कूल छुड़वा दूंगी, सब छुड़वा दूंगी, सब छोड़ दूंगी, तुम चले जाओ किसी तरह। वो बेचारे शीशों पे अखबार लगा दिए यार, पूरा घर क्या सुबह दोपहर शाम रात होगी वहां पे, क्या बच्चे तो खेलते कूदते चलते, वही ना। तो बात यह जी महसूस हुआ, दुख हुआ, और अल्लाह पाक इन्हें आसानी दे, आसानी का मामला करें, इनको आसानी और हिम्मत की नेमत से नवाजे। तो मेरे ख्याल से यार जज़्बे ना देने को कुछ है ना लेने की जरूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो प्यारे लोग हैं जब ये बेलॉस किसी के लिए दुआ करते हैं ना बगैर मतलब के बगैर कारोबार, मेरे ख्याल से बरकत होगी। साईं फरमाते मेहरबान फरमाते हमारे कि रब बंदे के गुमान के साथ, आप उनसे जैसा गुमान रखेंगे वो आपके साथ वैसा ही मामला करेंगे। अभी नहीं लगता है कि इतना ट्रीटमेंट इतना इलाज करवाने के बाद ये इंशाल्लाह यहाँ ये मसला आएगा आप तक पहुंचेगा तो ये ठीक हो जाएंगे, तो वो गुमान के साथ करना उन्होंने ही है, उनकी मेहरबानी वो जरिया जिसको चाहे बना दे। और इसमें उन तमाम लोगों की कोशिशें शामिल है जो यहाँ तक पहुंचे हैं ना, वो जो साहब जिन्होंने तावीज़ दिए, वो साहब जिन्होंने पढ़ाई की, वो जो इनके भाई बेचारे सूखते पड़ रहे हैं, जो फैमिली परेशान है, तो अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत रखते हैं अपने बंदों से बंदियों से। तो ये जब परेशानियां इनकी बढ़ती हैं, जब ये बेचारे सब तंग होते हैं ना, तो रब फिर इनका हल निकालने के लिए पहुंचा देते हैं मामले। और जी बड़े प्यारे लोग, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं जी, खास नजर नायक नजर करम है, इस बात को तहे दिल से तस्लीम करते हैं। ये खास दुआएं हैं, ऐसे ऐसे मकाम पर जाकर जी मुझे लोग भेजते हैं तस्वीर, मुझे उनसे बढ़कर कोई मकाम है नहीं दुनिया में। तो ये मोहब्बतें जी अल्लाह पाक बरकरार रखें, ये एतमाद आपका अल्लाह पाक बरकरार रखें, करना उन्होंने ही है, वही करते हैं, वही कर सकते थे, वही कर सकते हैं, वही करेंगे। ये सब आपके सामने है, फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह वो बोला था। अस्सलाम।